फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। अगर हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जनरली चार कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वो चारों कैटेगरी एक पिरामिड मॉडल में शो किया जाता है। पिरामिड में हमेशा बॉटम टू टॉप पे हम चलेंगे, मीन्स बॉटम पे सबसे लो लेवल का होगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम और टॉप पे जो होगा सबसे हाई लेवल इन्फॉर्मेशन सिस्टम वहाँ पे होगा। सबसे पहला आता है पिरामिड में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकेंड आता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड लास्ट और टॉप पे आएगा एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जितने चारों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैं इन चारों को हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आएगा ये हमेशा आता है वर्कर पे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कौन कलेक्ट करेगा, एक इन्फॉर्मेशन पाता है कलेक्ट करता है वर्कर। वर्कर से मतलब है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर के टच में है वो आपके किस में आएंगे, वर्कर में। जैसे अगर हम कॉलेज में बात करें तो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जितने फैकल्टीज और स्टाफ होंगे वो सारे किस में आएंगे, वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, मिडिल मैनेजर मैनेजमेंट ले इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे काम करता होगा। मीन्स अगर इसको कोई डिसीजन बनाना है तो किससे डेटा मांगेगा, डेटा मांगेगा वर्कर से। वर्कर डेटा जो अपना होगा मिडिल मैनेजर को देगा और मिडिल मैनेजर उस पर एनालाइज करके कोई रिजल्ट बनाएगा। मिडिल मैनेजर आप एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज में यहाँ पे वर्कर पे कौन कौन आ गया, फैकल्टी और स्टाफ। मिडिल मैनेजर में यहाँ पे आ जाएंगे डिपार्टमेंट के एचओडीज हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे ही अगर सीनियर मैनेजर की बात करें, मीन्स अगर इससे हाई लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है जो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मीन्स जो जहाँ पे कोई डिसीजन बनाना है तो डिसीजन किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कौन बनाता है, सीनियर मैनेजर लेवल। सीनियर मैनेजर मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं डीन हो गए, डायरेक्टर हो गए, डीन स्टूडेंट वेलफेयर हो गए, ये सारे किस में आएंगे, सीनियर मैनेजर। मतलब किनको कोई अगर डिसीजन बनाना होगा तो डिसीजन यही बनाएंगे सीनियर मैनेजर। और इनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इन्फॉर्मेशन ये देखिए जो एरो यहाँ शो कर रहा है, एक तो नीचे डायरेक्शन में और एक ऊपर डायरेक्शन, मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऊपर जा सकता है और ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो नीचे भी हम ले सकते हैं। तो मिडिल मैनेजर किसको दिया, सीनियर मैनेजर को। अगर सीनियर मैनेजर से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो जाएगा किसके पास, एग्जीक्यूटिव के पास, और वहाँ से एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब वहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी प्लान बन सकता है कि आगे मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम देखें तो कॉलेज का चेयरमैन या वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का वो यहाँ पे आ सकता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एक बार अगर हम फिर से रिपीट कर लें इसको, तो वर्कर में कौन आ गया, जो स्टूडेंट के टच में है, मीन्स फैकल्टी और आपका स्टाफ हो गया। जैसे आपका सपोज स्टूडेंट का मुझे रिपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट का रिपोर्ट अगर डे वाइज डे रिपोर्ट देखें हम, जनरली ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डे वाई डे एक्टिविटी से मतलब रखता है। तो डे वाई डे अगर हम कोई स्टूडेंट फैकल्टी का एक्टिविटी हम देखें तो कौन लेगा, वर्कर लेगा, मीन्स फैकल्टी और स्टाफ ही दे सकते हैं। एक किसको देंगे, अपने एचओडी को, एचओडी वही इन्फॉर्मेशन किसको देगा, डायरेक्टर को, और डायरेक्टर और डीन अगर उस इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ती है तो किसको देंगे, चेयरमैन या तो फिर वाइस चांसलर को। लेकिन इन जनरल इसी लेवल तक सारे काम आपके हो जाते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सीनियर मैनेजर लेवल तक सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम और एक लेते हैं, सपोज करो आप किसी कंपनी में हो जहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन को हम सेल करते हैं मार्केट में, तो जो वहाँ पे वर्कर होंगे उस टाइप में वर्कर जितने आपके सेल्स मैन होंगे जो आपका मार्केट में जाकर सेल्स कर रहे हैं वो सारे किस में आएंगे, वर्कर पे। वो डेली कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना इन्वेंटरी हुई, वो सारा रिपोर्ट किसको देंगे, अपने
ऊपर मैनेजर को, मतलब जो एरिया मैनेजर होगा या जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन अपने हाई लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे जो भी मैनेजर होगा उसको देगा और वो डिसीजन बना सकता है कि जो वर्कर से इन्फॉर्मेशन आई है प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या डिसीजन मुझे बनाना है। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई स्ट्रेटजिक प्लान करना है, जैसे प्रोडक्ट को ही बंद करना है या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इस तरह का डिसीजन सीनियर मैनेजर भी नहीं लेता। इस तरह का मैनेजर कौन लेगा फिर? इस तरह का डिसीजन लेगा आपका एग्जीक्यूटिव, जो कि टॉप लेवल पे होगा, मतलब जैसे कंपनी में सीईओ हो सकते हैं। वो आपके स्ट्रेटजिक प्लान बनाएंगे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या जो कोई मार्केट में प्रोडक्ट है उसको मुझे क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ से वर्कर्स इन्फॉर्मेशन आ रही तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जीरो है। तो इस तरह से आपका काम करता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम चार टाइप में। वन बाई वन हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमेशा पिरामिड के बॉटम लेवल पे होगा, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ऑपरेशन लेवल मतलब कि यहीं पे सारा ऑपरेशन वर्कर करते हैं, किससे? अपने कस्टमर या फिर आपका इंड यूजर पे हैं। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाई वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल टूडे सेल, टूडे इन्वेंट्री। अगर डे वाइज डे एक्टिविटी मुझे रिपोर्ट देना है तो किस में आएगा? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। इट मीन्स इट इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल समरी रिपोर्ट या एक्शन रिपोर्ट। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे क्या काम होगा? सपोज करो 10 सेल्समैन है, 10 सेल्समैन अलग अलग लोकेशन पे अपना सेल्स कर रहे हैं, तो सारा अपना इंडिविजुअल जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट तो ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम हो गया। लेकिन अगर उन सभी का समरी बना ले, समरी बना के अगर उस पर कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना है या फिर किस तरह से हमको सेल्स बढ़ानी है, किस तरह से कम करनी है, वो सारा मैनेजर लेवल पे, मतलब जो मिडिल मैनेजर है यहाँ पे, मिडिल मैनेजर लेवल पे समरी रिपोर्ट और एक्शन रिपोर्ट जनरेट करके ले लिया जाता है। लेकिन अगर हम डिसीजन की बात करें तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो मैनेजर है, यही रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट वहाँ पे जाएगा और उस रिपोर्ट पे वो ग्राफ या चार्ट बना के वो एनालिसिस करेगा कि हमको डिसीजन क्या करना है इस प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह से प्रोडक्ट को सेल्स बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, या फिर इसको अभी डाउन करके इस जगह कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके कि इस डेट इस इंफॉर्मेशन को मुझे एग्जीक्यूटिव लेवल पे सेंड करना है। ये सारा डिसीजन आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे होगा। यहाँ पे जनरली सीनियर मैनेजर आपका होंगे। इट इज़ ए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, इट इज़ ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम यूज्ड बाय सीनियर मैनेजर। नॉलेज बेस्ड सिस्टम मतलब कि एक तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई, ट्रांजेक्शन से, मैनेजमेंट से यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर होगा ये अपना नॉलेज बेस भी लगाएगा, मीन्स अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट देगा कि हम इस पे और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नॉलेज बेस अपना नॉलेज लगा के कुछ डिसीजन बना सकता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सफिशियंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे समरी रिपोर्ट आ गया उसके पास, समरी रिपोर्ट भी इसके पास होगा, प्लस उसी रिपोर्ट से कोई ग्राफ या कोई चार्ट ड्रा करेगा और फिर उसके हिसाब से कोशिश करेगा आपको डिसीजन बनाने के लिए। लेकिन अगर सपोज करो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे जो सीनियर मैनेजर है उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। और यहाँ पे हाई लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होंगे, इट इज ए स्ट्रेटजिक लेवल इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट आर टॉप ऑफ द पिरामिड, पिरामिड के टॉप पे होंगे, एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल कम फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे सपोज करो किसी प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केट से उसको आउट करना है, मार्केट में बंद ही करना है उस प्रोडक्ट को, तो ये डिसीजन कौन बनाएगा? एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो सीईओ होगा वो बनाएगा कि इस प्रोडक्ट को बंद करना है या रन करना है या इसके जगह रिप्लेस करना है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप हैं तो जनरली अगर हम किसी कोर्स को, न्यू कोर्स लॉन्च करना है या न्यू कोर्स या रनिंग कोर्स को किसी को बंद करना है, इस तरह से एक तरह से एक स्ट्रेटजिक प्लान है, तो इसको कौन, इसका डिसीजन कौन ले सकता है? इसका लेगा हमेशा चेयरमैन या फिर वीसी, वाइस चांसलर, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल का होगा। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम इन चारों इन्फॉर्मेशन सिस्टम को देख सकते हैं। होपफुली ये चारों आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल के बारे में। धन्यवाद।